अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाडा अपना शनावर अली ते मेरे प्यारे मामू आकब। अस्सलाम वालेकुम। अज असीं जिस वीडियो ते रिएक्शन करन लगे हां, जरा दिल थाम के वेखिया, इंतहाई मजे दी वीडियो है। सारी मुकम्मल वेख के ते तां जाणा, बाकी गल वीडियो चलदे चलदे करदे हां। लो जी, अज असीं तुहानू दसण लगे हां जिन दीआं कितनीआं इकसामां होंदीआं ने, कित्थे कित्थे रहिंदे ने, की करदे ने, की खांदे ने, की पींदे ने, ते इस्लाम दे हवाले नाल उहनां नूं मुलाजा करांगे। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला की एक ऐसी खौफनाक मखलूक जिनका नाम सुनते ही हर इंसान की रूह काम जाती देख है। खोपड़ियां देख रही है। और जिस मखलूक को उसकी देखने की कोई भी ताकत नहीं रखता। यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जड़े कमजोर दिल के बंदे हो, ये वीडियो ना देखना। जैसी मखलूक हकीकत में मौजूद है या फिर इनका वजूद सिर्फ अफसानवी है, और जिन्नात को कैसे पैदा किया गया और इनकी औलाद कैसे पैदा होती है, और इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद कितनी है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन्नात की असल दुनिया कहाँ है और ये कहाँ पर रहते हैं, जिन्नात का खाना पीना क्या है, और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको कितनी ताकत दी है, क्या ये हर इंसान की शक्ल तब्दील कर सकते हैं, और जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं, और जिन्नात हमें क्यों नजर नहीं आते, और जिन्नात के शर से हम अपनी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन अल्लाह तबारक व ताला की एक ऐसी मखलूक है जो अपना वजूद रखती है। जिन्नात को एक खास किस्म का इलम हासिल होता है, और ये ऐसे मुश्किल तरीन और अजीबो गरीब काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह तबारक व ताला की वो मखलूक है जिनका वजूद हकीकी तौर में पाया जाता है, जैसा की अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात के वजूद का इनकार करना कुफर है। जिनके लोगों जिन्नात हैं, यानी छुपी हुई चीज के हैं, जिनको जिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्नात आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होते हैं और छुपे हुए होते हैं। जिन्नात अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया, जैसा की अल्लाह तबारक व ताला सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और जिनको इससे पहले बनाया बगैर धुएं वाली आग से। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और जिनको पैदा फरमाया आग की लपट से। हजरत सैयदना रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन, और जिन्नात को जुमेरात के दिन, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इबलीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिस तरह इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं और जिस तरह नस्ल इंसानी चलती है, इसी तरह जिन्नात के भी बच्चे पैदा होते हैं और उनकी भी नस्ल बढ़ती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नात इंसानों से 9 गुना ज्यादा हैं। जैसा कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हारे सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। प्यारे दोस्तों, अक्सर और बेशतर जिन्नात निजासत की जगह पर रहते हैं, जैसे कि खजूरों का झुंड, बैतुल खला और कचरे के ढेर, और गुसल खाना वगैरह। इसी वजह से गुसल खाने और ऊँट के बैठने की जगह पर नमाज पढ़ने से मना किया गया कि ये शैतान की जगह है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह नस्ल इंसानी के अंदर मुख्तलिफ मजाहिब और मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल के अंदर भी बहुत सारे ग्रोह मौजूद हैं। लेकिन जिन्नात के इन ग्रोहों में से
10 ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक ग्रह हैं, जिनको जिन्नात के सबसे बड़े ग्रह कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का पहला ग्रह जिसको मारूत कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मारूत जिन्नात का वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा सरकश और नाफरमान है। मारूत जिन्नात के इस ग्रह के अंदर बहुत कम जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। प्यारे दोस्तों, इस ग्रह के जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है और ये हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक जिन हाजिर हुआ। उस जिन ने हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और उसने कहा कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का ये खौफनाक ग्रोह इंसानों से बे इंतहा नफरत करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसा कि रिवायात में आता है कि इस ग्रोह के एक जिन ने दौरान नमाज हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहा तो हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस जिन को सतून के साथ बांध दिया। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की दूसरी खौफनाक किस्म अफरीत है। अफरीत अरबी जुबान में खबीस और सरकश जिन्नात को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अफरीत जिन्नात जिन्नात में से सबसे ज्यादा ताकतवर और चलाक जिन्नात होते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा बड़े और कद आवर होते हैं। जिन्नात के इसी ग्रोह को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात के इसी ग्रोह ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के इस ग्रोह को इतनी ज्यादा ताकत दी है कि ये हरकत के एतबार से बहुत ज्यादा तेज होते हैं कि हजारों मीलों का सफर चंद मिनटों के अंदर तय कर लेते हैं। इसी ग्रोह के जिन्नात में से एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये अर्ज किया था कि आपकी मजलस बर्खास्त होने से पहले पहले मलका बल्कीस का तख्त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का ये ग्रोह जमीन के नीचे रहता है और ज्यादातर ये जिन्नात रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस ग्रोह के पास इतनी ताकत थी कि ये आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की तीसरी किस्म हमजाद है। हमजाद जिन्नात का वो ग्रोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद भी पैदा होता है जो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसके साथ रहता है। प्यारे दोस्तों, हमजाद जिनकी शक्लो सूरत और आवाज उसी शख्स जैसी होती है जिसके साथ वो पैदा होता है। ये हमजाद जिन इंसान की हर हरकत और हर काम से वाकिफ होता है। हमजाद जिन्नात का वो ग्रोह है जो इंसान के दिल के अंदर वसवसे और शक पैदा करता है। जैसा कि एक हदीस के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिन्नात में से उसका हमनशीन हमजाद है। तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमजाद है? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा हमजाद मुसलमान हो गया। अब वो मुझे अच्छाई के अलावा किसी चीज पर नहीं उकसाता। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का चौथा और खौफनाक ग्रोह नस नस है। नस नस जिन्नात का एक ऐसा खौफनाक ग्रोह है जो इंसानों और शयातीन के मिलाप से पैदा होता है। इस ग्रोह का सारत नामी जिन जब एक खूबसूरत लड़की की शक्ल के अंदर तब्दील होकर जब किसी इंसान से हम बिस्तरी करता है तो इससे एक बच्चा पैदा होता है और इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस नस कहा जाता है। नस नस की शक्लो सूरत के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल में से एक ग्रोह है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पांव से उछल उछल कर चलते हैं। इस ग्रोह में पैदा होने वाले जिन्नात की एक आंख, एक हाथ, एक पांव होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान में से चीर कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। जिन्नात का ये ग्रोह एक पांव होने के बावजूद बड़ी तेजी के साथ चलता और सफर करता है। इस ग्रोह के जिन्नात ज्यादातर पानी में रहते हैं और बाज दफा पानी से बाहर निकलकर इंसानों से बातें भी करते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो उसको कत्ल कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की पांचवी किस्म जिन्नान है। जिन्नान ग्रोह के जिन्नात को जहरीली आंख के शोले से पैदा किया गया है। इस ग्रोह के अंदर कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और कुछ काफिर। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जिन्नात के साथ जंग करने के लिए भेजा तो इस ग्रोह के जिन्नात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नात के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस ग्रोह के गैर मुस्लिम जिन्नात शैतान के ग्रोह में शामिल हैं और ये इंसानों को उसकी राह से भटकाते हैं और गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की छठी और खौफनाक किस्म हातिफ है। हातिफ जिन्नात का वो ग्रोह है जिसका कोई जाहरी वजूद नहीं होता, लेकिन जिन्नात के इस ग्रोह की खासियत ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालने में माहिर होते हैं।
ये जिन्नात ऐसी आवाजें निकालते हैं जो इंसानों की जानी पहचानी आवाजें होती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों, घर वालों या फिर दोस्तों की आवाज। ये जिन्नात इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक जानवरों की आवाजें भी निकालते हैं। जिन्नात का ये गरोह ऐसी आवाजें निकालता है जिससे इंसान को लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, जैसे कि बार बार हंसने की आवाजें या ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें या किसी को किसी के नाम से पुकारने की आवाजें। जिन्नात का ये खौफनाक गरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की सातवीं किस्म सालत है। प्यारे दोस्तों, सालत जिन्नात का एक ऐसा गरोह है जो औरतों पर मुश्तमिल है। इस गरोह के अंदर सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। औरतों पर मुश्तमिल जिन्नात का ये गरोह बहुत ताकतवर होता है, जो बहुत जल्दी इंसानों की शक्लें तब्दील कर लेता है। ये जिन्नात दुनिया में रहने वाले हर इंसान की शक्ल में आ सकते हैं और ये ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में होते हैं। कातल। जिन्नात का ये गरोह इतना खतरनाक होता है कि इंसानों को कत्ल कर डालते हैं। इस गरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और उनमें से बच्चे भी पैदा होते हैं। बाज़ औकात ये जिन्नात सोए हुए इंसान के साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की आठवीं और खौफनाक किस्म गौल है। गौल जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये जिन्नात कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार जिंदा इंसानों के अज़ा को भी खा जाते हैं। ये जिन्नात ज्यादातर ऐसे कब्रिस्तानों में रहते हैं जो गैर आबाद और वीरान होते हैं। ये जिन्नात शक्ल भी तब्दील कर लेते हैं, जैसे कि सांप और कुत्ता वगैरह। जिन्नात का ये गरोह इतना खतरनाक होता है कि ये किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की नवीं किस्म जान है। इस गरोह के जिन्नात को जान या जिन्नान भी कहा जाता है और ये जिन्नात की नस्ल में से सबसे पुराने जिन्नात हैं, क्योंकि ये वो जिन्नात हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस रूए जमीन पर रहा करते थे। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की दसवीं किस्म शयातीन है। जिन्नात के इस गरोह में से सबसे बड़े जिन का नाम अजाज़ील है, जिसको शैतान भी कहा जाता है। अजाज़ील तमाम शयातीन जिन्नात का सरदार माना जाता है। अजाज़ील जिन को शैतान इबलीस का लकब उस वक्त दिया गया जब इसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इसके गले में लानत का तौक डालकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मरदूद होने से लेकर क़यामत तक अजाज़ील शैतान का एक ही मकसद है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की राह से गुमराह करे और जहन्नम का मुस्तहिक बना दे। हदीस पाक के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के शर से बचने के लिए बहुत सारे तरीके इरशाद फरमाए, जिनके अंदर आयतल कुर्सी पढ़ना और मखसूस दुआएं पढ़ना भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीर जिन्नात से पनाह अता फरमाए और जिन्नात के हर शर से हमें खुलासे अता फरमाए।